अरे विकास तू टेंशन मत ले, मेरे भाई ने 2 साल पहले ये गेस्ट हाउस खरीदा था, ये मेरे भाई का गेस्ट हाउस है। यहाँ चलता हूँ तुझे। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? अरे आजा, हवा चल रही है, आजा। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? भाई ये लाइट कब बंद क्यों जाने को हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होगी। बंद चालू हो रही, मुझे डर लग रहा है भाई। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, बहुत डर रहा है। तू मत मर, आ जा। मुझे डर लग रहा है भाई। आजा मैं तुझे अपने भाई से मिला के लाता हूँ। नहीं भाई, तुम अपने भाई से मिलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। चल सही है, मिलते हैं फिर। यार तू बहुत भागशाली है, तो इस घर से बच के निकल आया। बाबा जो भी गया है इस घर पे वापस लौट के नहीं आया। बाबा इस भूतिया मकान की मुझे बताओ, इसके अंदर क्या है? इस मकान में एक भाई और एक बहन 2 बरस पहले। वैष्णवी बेटा जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। चाय बन गई क्या? जी भैया ला रही हूँ, वेट कीजिए, मुझे भी हॉस्पिटल के लिए निकलना है। लीजिए चाय पी लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा। सुनो वैष्णवी, हॉस्पिटल से आते टाइम मुझे ऑफिस में लंच दे जाना बेटा। जी भैया दे जाऊंगी लंच, आज वैसे भी मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊंगी घर। ठीक है वैष्णवी, मैं निकल रहा हूँ। सर जी हाँ बताइए। प्रॉपर्टी की कागजी आपके सिस्टर के नाम कर दी। ओके अच्छा हो गए। ओ अच्छा थैंक यू। सर पैसे आपने ये क्यों किए? तुमको तो पता ही है इस शहर का डॉन, उससे मेरा पुराना पंगा चल रहा है और क्या पता कल को मुझे क्या हो जाए, इसीलिए ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन के नाम दी है। आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ ये बात अपन दोनों के बीच में रहे और किसी तीसरे को पता न चलना चाहिए। काका को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब्बास बता दो यहाँ हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट कैसे दी जाती है? तुझे अपॉइंटमेंट लेने का बहुत शौक है, तुझे मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ, कैसे ली जाती है? बिना अपॉइंटमेंट लेके अंदर कैसे आए? मिस्टर ए के सक्सेना, शायद तुम्हें पता नहीं मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती।
साइन करे या ना करे खुद सोच ले। क्या मेरे डीए को मार दिया? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन लगा रहा हूँ। आपसे अंकित भैया यहीं कहीं पास में है, वो काका भाई यहीं पे लेके आया, वही चलना चाहिए। बोल, साइन करेगा या नहीं? नहीं, बस एक बात पूछ रहा हूँ तुझसे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उसे इतना मारो, ये साइन करने पर मजबूर हो जाए। बहुत हुआ, ये साइन अब नहीं करेगा। भैया, भैया! अरे यार, अब ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसे भी मरना होगा, वरना हम लोग सब फंस सकते हैं। अब्बास, कहाँ गायब हो गई ये लड़की? तुम लोग इसकी लाश को ठिकाने लगा कर आओ। भाई वो तो भाग गई, पकड़ो उसे। बाबा, क्या उसने उसे मार दिया? अभी तक नहीं, बॉस डॉन को मारने के बाद ही मैं इस घर से जाएगी। किसी को नहीं छोड़ेगी, जो भी आएगा वो उसे सबको मार देगी। तो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। और बिजनेस कैसा चल रहा है अपना? बहुत सब बढ़िया एकदम। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब कुछ ही। तो बैठो, बैठ कर बात करते हैं। और ध्रुव, कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं भाई, बस तो तुमने 2 साल पहले गेस्ट हाउस खरीदा था वही देख के आ रहा था। पता नहीं वहाँ कोई ढोंगी बैठा है, वो कहानियाँ सुना रहा है कि ये भूतिया है, ये है, वो है। खत्म करो उस ढोंगी की भी कहानी। अरे वो ढोंगी नहीं, वो ऐसे ही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है। तो कह रहे हो मनगढ़ंत कहानियाँ तो हैं, मेरा दोस्त तो मिल ही नहीं रहा है उस कहानी को सुनने के बाद। चलो आओ, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को आज बियर पार्टी देके आ। चलो भाइयों।
देख लिया आपने, हमारा पार्ट वन है ये। और अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक कर दीजिए और हम आपके लिए बहुत जल्दी सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताइए। और हाँ, एक बात और ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा हमारे कौन से एक्टर की एक्टिंग अच्छी लगी। थैंक यू।